रहीम अस्सलाम वालेकुम बज्जू एंड जिया चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी मसाला। ये देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फिश करी बनाने के लिए हमें चाहिए फिश, जाहिर सी बात है। मैंने यहाँ पे खग्गा फिश ली है और ये तकरीबन 1.5 किलो है। दही है 1 प्याली, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 प्याली, पिसी लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक हसबे जायका, अपनी फिश के लिहाज से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाल पिसी मिर्च ली है तकरीबन 2 टेबल स्पून, धनिया है मेरा यहाँ पे 3 टेबल स्पून और हल्दी है 1/2 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत। और यहाँ पे बीच में आप मेथी दाना देख रहे होंगे, ये मैं भगार के लिए यूज़ करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने कढ़ाई ली, उसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। अब मैं इसको पका रही हूँ अच्छी तरह से ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, तेल अच्छी तरह पक चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी मेथी दाना, भगार के लिए मैंने आपको दिखाया था। डालूंगी प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें मसाले डालती हूँ। अब मैं इसमें डालती हूँ मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे सारे। इसमें डालती हूँ दही, देखिए ये देखिए मसाला थोड़ी देर हो गई है भुनते हुए, 5 मिनट। अब मैं इसमें डालूंगी दही, हाँ
दही डालूंगी। डाल दिया मैंने इसके अंदर। इसको भूनने के बाद जब थोड़ा पानी कम होगा तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। मसाला जितना भुनेगा खाना उतना ही टेस्टी होता है। देखिए कितनी माशाल्लाह खुश रंग बन रही है। ये देखिए अब मैं इसमें फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इसको भूनने दूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। देखिए मसाला हमारा भून गया तकरीबन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फिश। इसको मैं अच्छी तरह से चला लूंगी कि मसाला अच्छी तरह अच्छी ऊपर नीचे हो जाए। Thank you.
देखिए फिश डाल दी है मैंने इसमें। अच्छा मैं कैप लगा के इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी क्योंकि फिश डालने के बाद हम चमचा नहीं चलाएंगे इसमें, क्योंकि ये टूट जाती है फिर। अब मैं इसको जब जब चलाऊंगी मैं इसको इस तरीके से हिलाती रहूंगी। ये देखिए मछली का अपना ही काफ़ी पानी निकला है। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही कवर करके रख दूंगी, चेक करूंगी इसको तकरीबन आधे घंटे के बाद। पानी थोड़ा सा कम लगेगा तो मैं डाल दूंगी। अभी मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी। फिश रेडी है हमारी। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, पकते में ही चूल्हा मैंने बंद नहीं किया है अभी, और थोड़ा गरम मसाला, ये डाल के मैं इसको कवर कर दूंगी, थोड़ी देर पकाऊंगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन मैंने डिश आउट कर दिया है, हमारी फिश करी बिल्कुल रेडी है। इसके साथ मैंने चावल बॉईल किए हैं, रोटी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।